देश इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी राज्यों की झांकी जो है वो आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। और इस बार क्योंकि अयोध्या में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद से ही अयोध्या को लेकर क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और आपको बता दें, इसी कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी यानी कि कल अयोध्या की झांकी जो है वो देखने को मिलेगी। भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वालों को यूपी की विशेष झांकी देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में रामलला की मूर्ति को दर्शाने वाली झांकी प्रदर्शित की जाएगी। यूपी की झांकी में कलश के साथ दो साधुओं को दिखाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड में आने वाले लोगों के लिए अयोध्या में रामलला को देखना एक बहुत भाग्य की बात होगी। और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ कल्चर को भी दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि रामलला की प्रतिमा के साथ ही नमो भारत ट्रेन को भी यूपी की झांकी में दिखाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। इसी के साथ ही 13,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को नजर आएंगे। और उसी के साथ ही इस बार के चीफ गेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो होंगे वो भी वहाँ मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं इंडिया और फ्रांस की दोस्ती को भी प्रदर्शित जो है वो किया जाएगा। किस तरीके से बीते दिनों में फ्रांस से दोस्ती जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुई है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।